हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मुसव्विर लाशारी। नहीं तो उन्होंने मुझे ऑफर किए कि एज अ मतलब मेल परफॉर्मर वहां पे आप आए। अच्छा, पैसे वैसे उन्होंने बताए? यार वो बोल रहे थे पैसे तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि वो पता है तुम्हें इस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे होते हैं। ऊपर से मतलब ऊपर से देखो ना, बुकिंग्स भी होती है कि आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस देख के लोग आपको मतलब इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ कंपनी करो, और फिर आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। गाइस आज हम करने जा रहे हैं कुछ दोस्तों को कॉल्स, यानी कि प्रैंक कॉल्स। उनको बताया नहीं है कि हमने उनके साथ क्या मजाक करना है, बट मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे अश्लील फिल्मों में ऑफर आया है काम करने का, और मुल्क कौन सा डिसाइड करते हैं? मुल्क करते हैं डिसाइड इंडिया, क्योंकि उनको अमेरिका वगैरह का इतना नहीं लगेगा, बट वैसे कर सकते हैं अमेरिका का भी, क्योंकि मैं अमेरिका से होके आया हूँ तो मतलब एक बनता है बनना, लेकिन चलो इंडिया बोलते हैं उनको कि मुझे इंडिया से जो है अश्लील फिल्मों की ऑफर आई है। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करते हो इस चीज़ में या मुझे नहीं करनी चाहिए? तो पहली कॉल मिलाते मेरे दोस्त अमर नवाज को। मैं स्पीकर पर लगा रहा हूँ फ़ोन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल कह रहे हैं, आ रही है बिल्कुल। अच्छा कैसे हो भाई, नजर ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ गायब हो। मैं इसी धरती पर यार, तुम्हारे वो लिटरेचर वाले जवाबात मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसी धरती पे हूँ, वरना नॉर्मल लोगों से पूछो ना तो वो पता है क्या बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, इधर ही हूँ, आपकी बादशाही में हूँ, इस तरह। लेकिन आप बोलते हो इसी धरती के, इस कायनात में हूँ, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हूँ। यार वो एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे पूछ लूँ ना, मुझे थोड़ी सलाह चाहिए थी, मशवरा चाहिए था। बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री। अच्छा हाँ, आज संडे भी है तो यार असल में बात थोड़ी डिफरेंट है। मैं तभी मैं सोच रहा था कि ऐसे किसी दोस्त से पूछूं जो आपकी तरह मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को समझता हो। आपको तो पता है मतलब मैं बलोच फैमिली से हूँ, बट ये एक ऐसी ऑफर है जो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है मेरे करियर में बूस्ट भी ला सकती है, और इस तरह ना। कौन सी ऑफर? यार मुझे सुबह जो है इंस्टाग्राम पे इंडिया से कोई कंपनी है जो कि गंदी फिल्में बनाती है, उन्होंने मुझे ऑफर की है कि आप जो है हमारे पास आए और आपको हम वीज़ा भी देंगे, रिहाइश भी देंगे और सब कुछ। तो मैं थोड़ा मतलब पहले तो मैं सोच रहा था यार ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, लाइफ में ऐसे मौके बिल्कुल कम मिलते हैं ना, मे बी इससे मेरी जिंदगी और जो किस्मत होती है वो चमक जाए। ये तो एक अच्छी बात है, ईमान देखने से अच्छा है जिस्म देखो। क्या 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 कहा? असल में वो आवाज थोड़ी ईमान देखने से अच्छा है कि जिस्म भेजो। अच्छा बिल्कुल, लेकिन यार फैमिली और ये पाकिस्तान में हो, तुम्हें पता है मैं करेक्टर्स करता हूँ कॉमेडी वगैरह, तो ऑलरेडी मतलब एक ना लोग जानते हैं मुझे उस रूप में, तो वो थोड़ा मैं कंसर्न है मेरा कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे उस बारे में। ये जो सुन में मौलवी लोग कर रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं, तो इनके अच्छा ये काम है कि जिस्म बेचो मेरे मुताबिक। अच्छा अगर यही ऑफर तुम्हें आया होता तो मैं जरूर करता। तुम जरूर करते? यस। अच्छा मुझे खुशी हो रही है ये मेरे एक प्यारे बंदे को आ रही है कि एक ऑफर आई है, तो मतलब मैं उनको हाँ कर दूँ? बिल्कुल हाँ कर दो।
अच्छा वैसे हम आपको प्रैंक कॉल कर रहे थे मुझे कोई ऑफर नहीं आई है, बट यार मैं आपको दाद देना चाहूँगा। आप माशाल्लाह इतना सोचते हैं कि ईमान बेचने से अच्छा है बंदा जिस्म बेचे। बिल्कुल और कैसे हो भाई, क्या हो रहा है आजकल? मंटो की हीरा मंडी में खुद को तलाश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। वाह, मंटो की रूह खुश हो रही होगी आपको वहां पाकर। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे मंटो मिलता है, बानो कुछ मिलती है, फेज मिलता है, सब कुछ मिलता है। और नरगिस और रेशमा नहीं मिलती? वो भी मिल जाएगी। वो भी तो लाहौर से थी ना, मतलब जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी तो। यहाँ पे तो मुझे मैडम नूरजहाँ ही मिली है। बिल्कुल सही सही सही। चलो यार थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे बिल्कुल उसके लिए मैंने आपको कॉल की, बट मुझे आपके आंसर्स बहुत अच्छे लगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। गाइज अभी हम एक और कॉल करते हैं एक और बंदे को और देखते हैं कि उसका क्या। ये मेरा दोस्त है हसनैन, कराची का है, उर्दू स्पीकिंग है। और अच्छा मैं आज उर्दू स्पीकिंग लोगों को इसलिए कॉल कर रहा हूँ मेरे जो दोस्त हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स उर्दू में हैं, तो सिंधी लोगों से जा के साथ अगर मैं उर्दू में बात करूँगा तो उनको शक हो जाएगा। हमें शक नहीं डालना, शक में किसी को भी नहीं डालना, हमें डायरेक्ट जो है लोगों को कॉल करनी है। ये है हसनैन और अभी हम हसनैन को कॉल मिला रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हसनैन को कॉल जा रही है। सैलाब खान की मदद हम सब के कौमी हम जिम्मेदारी सैलाब है। गुजर गया है मोबाइल मासी, से फंड लेकर अब आप भी मूव ऑन डबल नाइन करो। पर SMS करें, आपकी जानिब से मुसीबत में घिरे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। कैसे हैं भाईजान? ये एक ही लाइन में मुझे जन्नत दोजख दोनों की सैर क्यों करा दी यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। देखें जन्नत, मैंने एक मेरी ख्वाहिश है कि आप जन्नत में जाएं, लेकिन मुझे ये भी पता है आप डिजर्व दोजख करते हैं। आपने बहुत ज्यादा टाइम गुजार लिया हमारे साथ लगता हाँ ना, आपके आपके हर करतूत की खबर है हमारे पास। ना ये सीक्रेट ही रखना है बात, ये सारी सीक्रेट रहनी चाहिए बात दोनों भाइयों के दरमियान। नहीं नहीं सर, मैं तो पोस्ट करने वाला हूँ आज आपके सारे गंदे काम। वाह वाह, अच्छा गंदे, ये अच्छा अच्छा गंदे काम से याद आया, मैंने आपको यार एक जरूरी काम के लिए ना कॉल की थी। क्या वो खैरियत है सर? हाँ मतलब थोड़ी अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आ क्या रहा हुआ? कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट क्योंकि हमारी माशाल्लाह अच्छी बॉन्डिंग है तो मैंने सोचा आपसे पूछ के जो है वो फिर मशवरा। यार देखो ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना जब आपको अपने कुछ दोस्तों से जिनमें आप समझते हैं कि अहलियत है काबिलियत है उनसे मशवरा करना चाहिए और उनसे मतलब पूछना चाहिए। लाइफ में क्या शादी कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं शादी के लिए भी आपसे मशवरा क्यों लूँगा आपकी अपनी नहीं हो रही, नहीं भाईजान माफ़ कीजिएगा बट आपकी अपनी नहीं हो रही, मैं आपसे क्या मशवरा लूँगा। दरअसल बात ये है कि यार इंडिया से मुझे किसी प्रोड्यूसर की कॉल आई है। अच्छा हाँ वो चाह रहे हैं कि मैं उनकी अश्लील जो फिल्में होती है ना, मतलब एक तो होती हैं कि इंडियन फिल्में जिसमें किसिंग सीन्स वगैरह होते हैं वो वाली नहीं, जो बिल्कुल अंग्रेज़ों वाली गंदी फिल्में नहीं होती। यार वो गंदी फिल्में जो तुम देखते हो मतलब तुमने नहीं देखी कभी ज़िंदगी में? असल में रहा है इंडियन क्या इंडियन कोई एक शॉप? नहीं, इंडियन कंपनी एक वो अपना वो बोल रही भाई हम बाहर की चीज़ें क्यों एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करें, हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन करते हैं इस चीज़ की ना, वहाँ तुझे पता है। प्रोडक्शन वाले मामले में आप कैसे बीच में आ गए? अरे नहीं मतलब उन्होंने मुझे जो है वो ऑफर किए ना, मैंने भी यही पूछा कि भाई आप तो बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं और ये सारी चीज़ें तो आपके यहाँ ये कैसे सीन हो गया कि आपने जो है अश्लील फिल्में बनाना शुरू की? तो उन्होंने कहा हम अब प्रोड्यूस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चेंज आ रहा है यू नो। मतलब आप क्या चाह रहे हो ये बताओ, मुझे तो कोई बॉलीवुड
बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही शॉकिंग मामला लग रहे हैं, बहुत नाजुक सूरत हाल लग रहा है मुझे सर। असल में मैंने ये सोचा कि आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह हमारे साथ जब भी मिलते तो अश्लील बातें करते ना। अश्लील बात तो करने सीधा ये थोड़ी होना चाहिए यार। नहीं तो उन्होंने मुझे ऑफर किए कि एज अ मतलब मेल परफॉर्मर वहाँ पे आप आए। अच्छा, पैसे वैसे उन्होंने बताए? यार वो बोल रहे थे पैसे तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि वो पता है तुम्हें इस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे होते हैं। ऊपर से देखो ना, बुकिंग्स भी होती है कि आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस देख के लोग आपको मतलब इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ कंपनी करो, और फिर आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। बीच में शाहरुख खान मेरे अंदर बीच में आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कोई चीज आपने क्या, कोई बौखला देने वाली बात कर दी आपने तो। यार मैं असल में आपसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा जब से मुझे कॉल आई है ना, मतलब मैं परेशान बैठा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी मैंने आपको कॉल की है, मैंने कहा कि हसनैन से पूछता हूँ कि यार बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज़ें ना मैं फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता, ये ऐसी चीज़ें मैं अपने मतलब कुछ तो दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। जब कहीं फेसबुक, ये चीज़ें फेसबुक पे ज़्यादातर मिल जाती हैं आपको, जो इंडियन होती हैं फेसबुक पे मिल जाती हैं या दूसरी वेबसाइट पर, तो फैमिली ने तो फिर भी देख ही लेना है ना। यार देखो तब ये होगा कि पैसे हाथ में थमा दूंगा, उनको बोल दूंगा कि भाई बस मेरी मजबूरी थी, ये था वो था, अभी फिलहाल अभी के लिए तो मतलब वो मुझे बोलेंगे कि भाई ये काम तो तुम्हें करने नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें, तो फिर तभी मैं कह रहा हूँ कि आपसे मशवरा लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यार देखो पैसे तो बहुत तरीकों से कमाए जा सकते हैं, मगर मुझे फिलहाल ये तरीका ठीक नहीं लग रहा, क्या पता आपको लग रहा, बट मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा मतलब इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मेरा दोस्त अश्लील फिल्मों में काम करता है यार, कुछ हमारा भी तो सोचो ना। नहीं तो तुम क्यों बताओ, तुम मतलब छोड़ देना ना बताना लोगों को कि ये मेरा दोस्त है। नहीं वो क्या, अच्छा वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगी हुई है, लोग आया कि कमेंट करेंगे, तो वही है ना, वहां पर वो नाच दिखा रहा था, ये वो यार, तो हमारे बारे में तो छोटो मतलब अच्छा, तुम्हारी वजह से मैं अपना करियर खत्म कर दूं। नहीं नहीं दूसरी बात, चलो अगर आपने सोचा कि तो ये अकेले मतलब अपना ही डायरेक्ट हमारा ही ख्याल कर लेते, अपनी जगह हमें आगे कर देते। अच्छा तुम्हें मतलब जाना है इसमें? नहीं जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। नहीं मगर देखो ऑनेस्टली टू बी अ गुड फ्रेंड, मैं आपको फिलहाल इस चीज का मशवरा नहीं दूंगा कि आप जाए करें, क्योंकि मुझे देखें अगर ये मेरे पास आती तो मैं भी ये चीज मना करता, तो मैं आपको भी वही मशवरा दूंगा जो मैं खुद अपने अप्लाई करता। यार लेकिन पता है क्या है हसनैन, मतलब एक आ रहा है कि शायद ये मेरा ज़िंदगी का यू टर्न हो, शायद इससे फिर मेरा करियर बूस्ट हो जाए और सारी चीज़ें ना, तो तभी मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हूँ। यार आप जॉनी भैया को देख के इंस्पायर तो नहीं हो गए? यार ये जॉनी कौन है आपकी? जॉनी कौन है? कौन जॉनी भैया? जॉनी भैया आप पहचान गए होंगे, वो आप पहचान गए होंगे, उनका सिर्फ जॉनी ही काफी है। अच्छा नहीं यार मैंने नहीं देखा। ओह नो यार देखो आपने मुझे सजेशन लेने के लिए फोन किया, तो मेरी तरफ से तो ना है। अच्छा कम्प्लीटली ना, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, कभी आप बैठोगे तो हम आपको बताएंगे। सही। अच्छा हसनैन भाई एक और अर्ज था हमारा। क्या? मैंने कहा एक और अर्ज था हमारा। क्या? कि ये आपके साथ प्रैंक हो रहा है, ऐसी कोई ऑफर नहीं आई है मुझे। अरे यार हाँ आई एम टोटली बौखला गया, मैं फिर से बौखला गया, ये क्या कर रहे हो यार? एक दिन में दूसरा शॉट क्यों दे रहे हो? आप कैमरा में देखो, आपको अब रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब मोबाइल को रिकॉर्ड कर रहे थे आपकी कॉल को, ऐसी कोई ऑफर नहीं आई है मुझे, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओ थैंक गॉड, मगर यार ये क्या था यार, मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के तुमसे बात कर रहा था, बट ये है कि मुझे अच्छा लगा आपने जो भी कहा, इट्स गुड। अच्छा तो लगा, मगर प्रैंक यार इतनी मेरी कीमती अल्फाज आपने जाया करवा दिए, मैं आगे ही बोल देता आपको।
चलो चलो कोई नहीं, होता है होता है। अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरी कॉल पे रिस्पॉन्स दिया और आपने मेरी चीज़ों को समझा और सब कुछ किया। आई लव यू 3 नाउ गेट लॉस्ट ब्रो। ख्याल रखना फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। ठीक है ओके ओके ब्रो ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ब्रो ओके अल्लाह हाफिज़। सो गाइज मेरे दो दोस्त और दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट। एक देखें जो अमर नवाज़ है वो लाहौर में रहता है, उसको लगता है कि आर्ट कल्चर और ये क्या होता है लिटरेचर ये सारी चीज़ों के वो बहुत करीब है, वो एक आर्टिस्ट है अंदर से, ठीक है। और ये मेरा दोस्त है बच्चोदा। बच्चोदा मीन्स क्या बोलेंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट यू नो कि बच्चोदा क्या होता है। सो दोनों को हमने कॉल की है और दोनों का रिएक्शन देखा है।